रिव्यू। तो गाइस यार बहुत सारी कमेंट्स आए कि न्यू RS 3M जो हम मैंने मंगाया था उसका रिव्यू दो। तो यार हम आज लेकर के आ चुके हैं न्यू RS 3M का रिव्यू। तो आप लोग देख सकते हो मैंने RS 3M क्यूब को पहले से ही निकाल के रखा, जिसको अभी हम साइड में रखते हैं। पहले आपको बात करते हैं इस बॉक्स की। तो सबसे पहली बात तो ये बॉक्स बहुत छोटा है। ओके, जैसे वीडियो में दिखता है बहुत बड़ा, तो वो ये बॉक्स बड़ा नहीं है, बहुत छोटा बॉक्स है। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है। तो यार चलो पहले इसको खोल लेते हैं, इसके अंदर हमको क्या क्या मिलता है वो दिखाते हैं आपको। ओके, तो इसके अंदर हमें एक एक्सेसरीज बॉक्स मिलती है। ओके, बाकी एक स्टैंड भी मिलता है इसके साथ, जिसमें मैंने क्यूब को होल्ड कर रखा है। आप लोग देख सकते हो ये रहा एक्सेसरीज बॉक्स। ओके, ये देखो उस पर लिखा हुआ भी है। तो अभी हम इसको खोलते हैं एंड दिखाते हैं आपको उसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। ओके, तो हमने इसे खोल दिया है। इसके साथ सबसे पहले तो कुछ टूल्स मिलते हैं, ये देख सकते हो आप लोग। ये तीन तो कुछ टूल्स हैं, इस पे से सबसे मेन तो हमारा ये रहता है। ओके, सबसे मेन, उसके बाद जो रहता है ये रहता है, क्योंकि यार इससे ये आपका अगर टूट जाए, क्यूब में लगा रहता है, अगर ये टूट जाए तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो उसको रखते साइड में एंड बात करते हैं, यहाँ पे कुछ मैनुअल्स मिली है हमें, ये देख सकते हो। इस पे तो आपको बताया गया है कि आपको अपने RS 3M को सेटअप कैसे करना है। ओके, एंड ये है कैसे सॉल्व करना है ये बताया गया है। तो ये दोनों ही चीज़ हमारे काम की नहीं है, तो उसको हम हटाते हैं। ओके, एंड इनको भी हम रख देते हैं अभी। तो यार मैंने इसको रख दिया है डिब्बे में, आप लोग देख सकते हो। एंड अब इसको बंद करके करते हैं साइड में। ओके, एंड अब बात करते हैं क्यूब की, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो हमें एक स्टैंड में मिला है कुछ इस तरीके का, ये देख सकते हो आप लोग। ये कुछ इस तरीके से क्यूब होल्ड हो जाता है इस पर, ये देखो। एंड भाई होल्ड होने के बाद क्या मस्त लगता है। ठीक, तो अभी करते स्टैंड को भी साइड में। तो अभी आते क्यूब की तरफ, तो आप क्यूब देख सकते हो भाई, इसकी प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगती है, बहुत ही ज़्यादा मस्त लगती है। एंड दूसरा इसका लोगो भाई साहब, मतलब हाथ पे पकड़ने में जो फील आती है ना भाई, एक नंबर। एंड बात करते मैग्नेट की, तो यार मैग्नेट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ओके, जितना हमें चाहिए था। मैग्नेट्स बहुत ही ज़्यादा मस्त हैं, एंड इसके टर्निंग्स इतनी स्मूथ है ना भाई कि आप क्या ही बताएं। ये देखो भाई ये मैग्नेट्स। एंड इसकी बात करते हैं अब कॉर्नर कटिंग्स की, तो यार कॉर्नर कटिंग आप देख सकते हो, ये देखो भाई ये 45 तक आराम से कर लेती है। ठीक है, 45 प्लस भी कर लेती है ये। तो अभी ये देखो यार, ये देखो गाइस 45 प्लस में थोड़ा सा अटकने लगता है। ओके, लेकिन यार 45 तक ये जो स्मूथ जाता है ना यार। एंड यार इसके मैग्नेट्स ये देखो यार, ये देखो भाई आपको पता चल रहा होगा इस पर मैग्नेट, ये देखो मैं हल्का पुश कर रहा हूँ, ये अपने आप फंस जा रहा है। तो यार इस पर आओ हम कुछ टीप हम करके देखते हैं। तो यार पहले वाला टीप हम तो गंदा गया इस पर, क्योंकि हमें मैग्नेट क्यूब की आदत नहीं है अभी। तो यार थोड़ा सा हमें इस पर टीप हम 2-3 बार करना पड़ेगा, जिससे स्पीड हमारी तेज़ हो जाए। एंड यार एक बात और बताऊँ इस पर, यार इसकी टर्निंग्स इतनी स्मूथ है ना कि यार क्या ही बताएं आपको। एंड मैंने आई थिंक इसको कर दिया स्क्रैम्बल, तो इसको सॉल्व कर देंगे अभी। ठीक है, तो हमने इसे सॉल्व कर दिया है। तो हाँ हम बात कर रहे थे कि यार इसकी टर्निंग इतनी स्मूथ है ना कि आप ये डी या डी प्राइम बड़े आराम से कर सकते हो भाई। ये देखो इतने आराम से मैं इस रिंग फिंगर से कर रहा हूँ, ये देखो भाई साहब जो स्मूथ है ना ये। और यार इसके कलर्स की बात करें तो कलर्स एकदम मस्त आ रहे हैं, आप लोग वीडियो में भी देख सकते हो भाई, एकदम रियल कलर्स आपको वीडियो में दिख रहे हैं। यार ये क्या कलर्स है भाई साहब इस पर। एंड ये देख सकते हो आप लोग भाई इसकी टर्निंग
ये देखो यार, स्पीड चेक करो गाइस, स्पीड देखी गाइस आपने, क्या स्पीड थी इसकी। एंड यार इसके नीचे के एक और नए कटिंग्स की बात करें तो ठीक है, नॉर्मल है, नीचे वाली में कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, ये देख सकते हो, लेकिन ऊपर वाले तो भाई साहब। कतई मस्त है, ये देखो अभी हम 45 प्लस ले गए। ओ भाई साहब, इतना स्मूथ है ये कि यार क्या ही बताएं। एंड यार मुझे सबसे एक और चीज़, हमने क्यूब लेलो की तरफ से मंगाए थे तो हमें क्यूब लेलो की तरफ से एक गिफ्ट मिला, ये ब्लू कलर का बैग, इसे पाउच भी बोल सकते, जिस पे हम अपने क्यूब को ऐसे भर सकते, ठीक है ना। और भाई साहब ये इतना स्मूथ, इतना ज़्यादा भाई, मतलब मस्त है ना ये। एंड एक मिनट भाई, ये शायद मुझसे टूट गया है, ओके ये देख सकते हो आप लोग, ये मुझसे टूट गया है, जो कि गट्ठी सी लगी थी आई थिंक, हाँ गट्ठी खुल गई, तो मैं इसे लगा लूँगा इधर की तरफ। एंड भाई साहब ये बैग जो है ना बहुत ही मस्त है यार, ये देखो इस पर हम कुछ इस तरीके से भर देंगे। एंड पहले से मेरे पास इस तरह के दो ठो बैग्स हैं, ओके इस तरह के दो ठो बैग्स मेरे पास पहले से ही हैं। तो गाइस अब इस पर करते हैं एक सॉल्व, ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा इंस्पेक्शन एंड फिर करेंगे इसको सॉल्व। तो मैंने इंस्पेक्शन ले लिया है, अभी टाइमर को करेंगे ऑन एंड इस पर देखेंगे कि भाई हमारी टाइमिंग जो रहती है वो कैसी जाती है। भाई आप लोग देख सकते हो भाई क्या जवाब चल रहा है यूट्यूब, भाई साहब सच में एकदम स्मूथ गाइस। एक मिनट यार, मैंने कैमरे के बाहर कर दिया था क्यूब को, एंड बस आखिरी एल्गोरिथम एंड हमारा जो भाई साहब रुका नहीं था यार, 38 में हमने कर दिया था, आपने देखा ही होगा कि टाइम नहीं रोक पाया मैं, क्योंकि यार इसके जो बटन थे वो छोटी सी है वॉच पे। तो यार हमने 38 सेकंड में इस क्यूब को सॉल्व कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा मस्त सॉल्व गया था हमारा, ओके। तो गाइस इस पे हम एक और सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा इंस्पेक्शन एंड फिर करेंगे इसको सॉल्व, ओके। तो हमें इंस्पेक्शन कर लिए इसकी एंड करते हैं सॉल्व गाइस। आप लोग देख सकते हो भाई, बस कैमरे से बाहर ना चला जाए ये, यार अब की बार बहुत गंदा सॉल्व जाएगा मेरे ख्याल से। भाई एक पेयर बन गया हमारा अपने से ही, तो यार तो हमने इसे 37 seconds गाइज 37 seconds में हमने इसे सॉल्व कर दिया था, आप लोगों ने देखा होगा, ओके। तो यार अब बात करते हैं इस क्यूब की प्राइस की, तो आज को पहले कर देते साइड में, ओके। एंड अब बात करते हैं इस क्यूब की प्राइस की, तो यार अभी आई थिंक ये क्यूब ले लो मैं अभी भी ऑफर चल रहा है इस पर, तो आपको कुछ 500 to 600 का मिल जाएगा, ओके। आपको ये 500 to 600 का ये क्यूब मिल जाएगा, तो आप लोग जा कर के ले सकते हो, नहीं तो ये ऐसे नॉर्मली 700 to 800 का क्यूब है। और क्यूब ले लो मैं भाई, ऑफ़र चल रहा है, अभी उनकी एनिवर्सरी है तो यार 15% ऑफ चल रहा है, तो आप जा कर के देख सकते हो, चेकआउट करो भाई, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सस्ते में ये क्यूब मिल जाएगा। परफॉर्मेंस सच बता रहा हूँ भाई, कम से कम 1000-2000 वाले क्यूब से कम की नहीं है यार ये भाई, इसके मैग्नेट्स की मैंने सोचा नहीं था स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा अच्छी होगी गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ के साथ आता है। एंड कॉर्नर कटिंग्स भाई साहब आप देख ही सकते हो, ये देखो देखो गाइस, ये देखो यार कॉर्नर कटिंग्स के मामले में तो ये एकदम नेक्स्ट लेवल क्यूब है गाइस। एंड यार इसका लोगो चेक करना गाइस एक बार, ये क्या लोगो लगता है, ओके। एंड टर्निंग्स मैंने आपको पहले ही दिखा दी है, आप लोग देख सकते हो भाई, आप चाहे जितनी फास्ट कर लो ये फंसने नहीं वाला गाइस, चाहे जितना फास्ट इसको घुमा लो यार,
मैं बताओ यार, इतना फास्ट घुमाता था उपयोग को, तब भी मैं बिल्कुल फंसता ही नहीं है भाई। मेरे हाथ से फिसल जाए वो बात अलग है, लेकिन फंसता नहीं क्यों। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ टर्निंग्स, कॉर्नर कटिंग्स, एक नंबर मैग्नेट्स इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है भाई मैग्नेट्स की। ओके तो यार इसके मैंने हल्का सेटअप भी किया अपने हिसाब से, इसके मतलब इसके जो अंदर से पार्ट्स होते हैं उनको सेटअप किया मैंने। तो आप लोग भी सेटअप कर लो भाई साहब, एक नंबर लगेगा क्यूब आपका। एंड भाई टर्निंग्स पे तो आप ये देखो भाई, यार ये क्या टर्निंग्स थी गाइस। आप लोग को किसी को भी पता चला भाई मैंने क्यूब को कैसे क्या घुमा दिया, क्योंकि यार ये है ही है इतना फास्ट गाइस। एंड यार आपको प्राइस भी बहुत ही सस्ते मिल जाएगा अभी इतनी समय क्यूब ले लो पे। एंड भाई साहब आपको सारी चीज़ें एक बार दिखा देते हैं। ये देखो भाई मैंने क्यूब ले लो मंगाया था तो हमें कुछ इतनी चीज़ें मिली हैं। एंड बॉक्स भी मिला एक तो इसका मेन बॉक्स गाइस, क्योंकि मैं मेन बॉक्स भी दिखाता हूँ। ये रहा मेन बॉक्स, देख सकते हो भाई हमें कुछ इतनी सारी चीज़ें मिली हैं। तो आप क्यूब को इस पर होल्ड कर देते हैं। ओके भाई कैमरे से बाहर नहीं जा रहा। ओके ये कुछ इतनी चीज़ें मिली हैं आप लोग देख सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। Thank you.